अभी देश में कुछ ज्यादा ही अराजकता का माहौल है। देश का युवा परेशान है। अग्निवीर और अग्निपथ जैसी योजनाओं को लेकर विरोध कर रहा है पूरा भारत। ठीक है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और प्रोटेस्ट का बहुत गहरा संबंध है। प्रोटेस्ट अब प्री मॉडर्न पीरियड में, प्री मॉडर्न मतलब एंशियंट और मेडिवल इंडिया में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, मोनार्की थी, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, देयर वाज नो प्रोटेस्ट। व्हाई? बिकॉज किंग वाज जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एंशियंट एंड मेडिवल वर्ल्ड, मोनार्की में प्रोटेस्ट का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि राजा जो था वो ईश्वर का प्रतिनिधि था। अशोक टाइटल लेता देवानाम पियदसी, कुषाण टाइटल लेते हैं देवपुत्राज, गुप्ता टाइटल लेते हैं परम भागवत, मेडिवल इंडिया के शासक टाइटल लेते हैं जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट, मोनार्की में प्रोटेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि राजा क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, और अगर आप राजा के खिलाफ विरोध करते हैं तो आप ईश्वर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न युग में मॉडर्न पीरियड में राजा डेमोक्रेसी है। अब प्रोटेस्ट का प्रावधान है, क्योंकि राजा जो है किंग, वो अब जिल्ले जमहूरियत है, अब वो जिल्ले इलाही नहीं है, अब वो जिल्ले जमहूरियत है, अब वो जनता का प्रतिनिधि है, जिल्ले जमहूरियत। लेकिन आपके घर में आपके पिताजी से किसी बात पे मतभेद है तो घर में आग लगा दोगे? ये देश की संपत्ति है, रेलवे जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पैसे की प्रॉपर्टी है, ये ट्रेनें हैं, ये रेलवे ट्रैक है, ये हमने टैक्स दिया, उस पैसे से बनी है सर। सत्याग्रह, हमने साइकिल सत्याग्रह किया 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली तक साइकिलिंग की, विरोध तो होना ही चाहिए। अगर जनता को लगता है कि राजा की ये नीति मेरे पक्ष में नहीं है तो विरोध होना ही चाहिए। लेकिन अपना विनाश करके, अपना अपने लोगों पर पत्थर मारकर, ये जो पुलिस के लोग हैं, ये बाहर के लोग हैं, ब्रितानी हैं, इंग्लिश हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, वो जो सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, एसपी है, वो डीएम है, वो ब्रितानी है। अरे आप अपने इलाके में 100 स्टूडेंट इकट्ठा होइए, ज्ञापन तैयार करिए, काली पट्टी बांधिए, डीएम आवास पे खड़े होइए, डीएम को ज्ञापन दीजिए, चले आइए, विरोध दर्ज हो गया, राजा को पता चल जाएगा कि जनता इस नीति से सहमत नहीं है। गांधी को हम भले ही इस देश में बड़ी गाली देते हैं लोग गांधी को बहुत, लेकिन गांधी 90% पीपल इलिटरेट, अनपढ़, 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, आज तो 80% आर लिटरेट, 90% इलिटरेट, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, पता ही नहीं स्वराज क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। गांधी जनता को बाहर निकालते हैं, सड़क पर लाते हैं, आंदोलन करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के वॉइसरॉय को बोलता है कि अरे गांधी की टीआरपी बढ़ा रहे हो, मारो इनको। बोले सरकार मार नहीं सकते सरकार। बोले क्यों? बोले सरकार ये हमारे लिए पूजा कर रहे हैं, सरकार ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान, तुम्हारे घर के सामने कोई खड़ा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, तुम उसको मारोगे? 2 साल आंदोलन चला, 2 साल, फिर जनता ने गलती कर दी, चौरी चौरा 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के साथ जला दिया, वो सरकार पर हमला था। और इससे पहले कि सरकार जनता को मारती, गांधी ने कहा
मुझे हिंसा में कोई विश्वास नहीं। अंत, आंदोलन का अंत। अन्ना हजारे ने आपके सामने आंदोलन किया 2008 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मेरी अपील है इस देश के युवाओं से कि विरोध करें, विनाश ना करें।